हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन टेक्नो मोहसिन यूट्यूब के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको नोट 9 की स्पेक्स, प्राइस और इसकी रिलीज डेट और इसे प्री ऑर्डर कैसे करना है और कब करना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस फोन की स्पेक्स की बात करते हैं। अब इस फोन की जो स्पेक्स है, जो डिस्प्ले है, वो सेम रखा गया है नोट 8 वाला। यहाँ पर आपको 4K रेजोल्यूशन वाला आपको 6.4 इंचेस का फुल HD AMOLED पैनल मिलेगा, फुल HD प्लस मिलेगा या फिर उससे भी ज्यादा 4K बहुत ज्यादा हाई होता है डेफिनेशन। मतलब डिस्प्ले के मामले में आपको सैमसंग कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगा। लेकिन एक बार ये नीचे गिरा तो फिर आपका फोन बेकार है। उसका कम से कम आधी प्राइस से ज्यादा का उसका डिस्प्ले का पैनल ही आएगा, तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें। अब उसके बाद बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। दोस्तों इस फोन की जो प्रोसेसर है नोट 9 में, वो एक्सिनोस के यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेसर 9810 का फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और साथ इसके अंदर जो GPU है वो है माली का G72 MP18 का GPU है। अब बात करते हैं इस फोन के अंदर जो स्नैपड्रैगन वर्जन है, वो है स्नैपड्रैगन का 845 है, जो स्नैपड्रैगन 845 के स्पैंड्रीनो का 630 का GPU है। अब बात कर लेते हैं इस फोन के GPU CPU सब कर लिया तो उसके रैम मैनेजमेंट के बारे में। तो 6GB की रैम होगी, मतलब रैम मैनेजमेंट सही होगी। इसका बेस वेरियंट 6GB है और जिसका सेकंड वेरियंट है वो 8GB है। अब 6GB के साथ आपको 128GB और 8GB वाले के साथ 512GB मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हायर होगा। बात करते हैं और स्पेक्स के बारे में। दोस्तों इस फोन के अंदर जो बाकी स्पेक्स बची हैं, जैसे कैमरा, तो S9 प्लस वाला कैमरा आपको यहाँ पर रिपीट मिलेगा 12+12 मेगापिक्सल का F1.5K बटर के साथ। अब दूसरी बात की जाए इसके अंदर जो फ्रंट कैमरा है, तो फिर फोन का जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का होगा, जिसके अंदर आपको F1.7 का अपर्चर मिलेगा। फ्लैश फ्रंट में नहीं होता, लेकिन इसका कैमरे बहुत अच्छे होते हैं, फ्रंट बैक दोनों में यूज़ किए हुए हैं। अब बात करें तो इस फोन पूरा ग्लास बॉडी है, इसके मतलब कि वायरलेस चार्जिंग आपको मिलेगी, सैमसंग डेस्क का सपोर्ट मिलेगा और दूसरे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तमाम सेंसर आपको मिलेंगे। अब बैटरी टाइमिंग की बात की जाए तो बैटरी टाइमिंग आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। 4000 mAh की इसमें बैटरी है, तो 4000 mAh बैटरी आपको कम से कम 1 से 1.5 दिन निकाल लेगी बड़े फोन के साथ। अब उसके बाद अब बता देता हूँ कि इस फोन के अंदर जो वायरलेस चार्जिंग वो है कि नहीं। दोस्तों आपको पता है कि इस फोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इस वक्त अभी कुछ चार 2.0 का ही मिला है, 3.0 या फिर 4.0 नहीं यूज़ किया गया सैमसंग की तरफ से, जिसके में उम्मीद थी हो। अब इस फोन के अंदर बस एक चीज़ नहीं है, वो है इसका जो वो अंडर डिस्प्ले जो होता है फिंगरप्रिंट सेंसर, वो यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया। लेकिन एस पेन बहुत शानदार है, वो बहुत अच्छा चलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर एक अच्छा ऑप्शन है बैक पे, जो कि कैमरे के नीचे S9 की तरह है, लेकिन थोड़ा अलग से लुक के साथ है। अब बात करें इस फोन के बहुत से कलर्स हैं, अगर आपको जो से भी कलर वेरियंट बाय करना है बाय कर सकते हैं। इसकी प्राइस 1 लाख से ऊपर होने वाली है, 1,10,000-20,000 के करीब। अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस के बाद इसकी रिलीज है, तो इसी महीने के एंड में इसी महीने के अंदर अंदर से लॉन्च हो जाना है। प्री ऑर्डर करना है तो आप किसी भी ऑफिशियल सैमसंग स्टोर पर जाएँ और वहाँ पर प्री ऑर्डर कर सकते हैं। 20 से 30 हज़ार आपको एडवांस के तौर पर देना पड़ेगा, फिर आपको 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों बाद ये फ़ोन मिल जाएगा। अब इसकी तमाम डिटेल हमने मेंशन कर लिया है। वैसे एक चीज़ इसके मैं भूल गया था, वो तो इसका आयरस स्कैनर। दोस्तों आयरस स्कैनर के यूज़ के साथ अपने फोन का अनलॉक कर सकते हैं, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपको सैमसंग को भी नोच वगैरह नहीं देगा, ना ही इस काम में और इस रफर में सैमसंग को भी गया है। तो होप यू लाइक दिस फोन, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और साथ इस वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, गुड बाय दोस्तों।